ओम द्यो शांति रंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोचलया शांति भास्वम्मा शांति सर्वगुं शांति रे शांति सामा शांति रे शांति भवतु विश्वानि देव सर्वे कार्याणि परासु यद्भजं तन्न आशुभा इमारुताय तपसे कविने अभिराय तव रामहे मदे यथा समते मदे चतुष्पादे विश्वाङ्कुशङ्ग्रामे अस्य मन्नातुरम्म एतन्ते देव सवितुर्जम्भावे ब्रह्मणे ॐ शुक्लं भद्रं देवं शशिवरं तरुजं धनवरं जायेन शर्मा है और जम्मू यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आपने देखा होगा कि इस 90 वर्ष के उपरांत ही 1 जनवरी को राजौरी ज़िला के डांगरी गांव में जो आधार कार्ड चेक करके हिंदू समाज के लोगों को इंटेंशनली और टारगेट किलिंग जो की जा रही है उसके संबंध में आज हमने श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा था। जो भी शहीद हुए हैं उनको हमने आज श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं और हम ये कहना चाहते हैं, जम्मू यूनाइटेड स्टूडेंट एसोसिएशन का ये कहना है कि ये इंटेंशनल और टारगेट किलिंग है, ये आज भी जम्मू कश्मीर में चल रही है और जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन से ये कहना भी चाहते हैं और ये ज़ोरदार अपील करते हैं कि हिंदू समाज की टारगेटिंग किलिंग्स को, सिख समाज के टारगेटिंग किलिंग्स को बंद किया जाए, वरना जिस दिन हिंदू समाज एक होकर सरकार के खिलाफ चलेगा ईंट से ईंट बजा के सरकार की रख देंगे, क्योंकि ये अब और इंटेंशनल किलिंग आपने देखा होगा पिछले दिनों कश्मीर में भी इंटेंशनल किलिंग कश्मीरी पंडित भाइयों की अभी भी जारी है। निर्मम हत्याएं, कायराना तरीके से हमारे लोगों को मौत के घाट उतारना ये किसी भी सूरत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम ये कहना चाहते हैं एलजी प्रशासन से और मरकजी सरकार से इसको जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए, नहीं तो इसका जो भी अंजाम होगा वो सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। भारत माता की जय। ये जो कार्यक्रम रखा गया है श्रद्धांजलि समारोह, जो हमारे हिंदू भाई बहन जिनका बिल्कुल तहा आधार कार्ड देखते हुए उनका उनकी किलिंग की गई है क्रूर आतंकवादियों के द्वारा, तो ये कब तक चलेगा भारत में? तो ये यदि हमारा जो हिंदुस्तान है, जो भारत भूमि है, या का यदि हिंदू अपने आप पे आ जाए तो आतंकवादियों को मतलब उनका नामो निशान मिट जाएगा, तो इनको अपने जो क्रूरता से बाज आना चाहिए। तो जैसे कि छोटे छोटे बच्चों का निर्ममतः उनकी हत्या कर देना, उनको क्रूरतापूर्वक उनकी निशंस हत्या कर देना, ये बहुत जघन्य अपराध है। तो जम्मू कश्मीर में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो सरकार चल रही है तब से आतंकवाद में बहुत कमी आ गई है, लेकिन फिर भी ये जो आतंकवादी अपने कामों से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी क्रूरता से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हमारा जो साधु समाज है,
हमारे साधु समाज की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर का बैरागी समाज है, खड़दर्शन समाज है हमारा, इनकी तरफ से इनकी आत्म शांति के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, जो हमारे परम पूजनीय श्री शास्त्री जी महाराज, परवीन शास्त्री जी, जो हमारे अजय शास्त्री जी और आपको रवि शास्त्री जी, तो हमारे जितने भी नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है आत्म शांति के लिए, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले, थोड़ा सी हम श्रद्धा सुमन इनको अर्पित कर सके। तो यह जो भगवान जी का मंदिर है कोटली शाहदुल्ला का, तो नहर पे भगवान शंकर जी का मंदिर है, यहाँ पे यह कार्यक्रम रखा गया है। भारत माता की।